आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नोबेल प्राइज विनर टोनी मॉरिसन। 5 अगस्त 2019 हाल ही में इनका देहांत हो गया दोस्तों। तो एक ट्रिब्यूट है स्टडी आईक्यू की तरफ से। एक ऐसी राइटर थी जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। ज्यादातर जो इनकी राइटिंग थी वो ब्लैक वुमेन स्लेवरी पे होती थी और बहुत कुछ लिखा इन्होंने। एसेज लिखे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्लेज, और जब जब लिखा इतिहास कायम किया। तो टोनी मॉरिसन की आज हम बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्कर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। 16 अगस्त तक सारे कोर्सेज पे 60% ऑफ है, जरूर इस डिस्काउंट को अवेल करें। तो अगर टोनी मॉरिसन की बात करें तो उनका जन्म 18 फरवरी 1931 में हुआ था। कहां पे? लोरेन, ओहायो। ओहायो की बात करें तो ये अमेरिका में है। आपको बता दूं कि जो ये टाउन है ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी टाउन है। देखिए, ये एक ब्लैक वुमेन थी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका में कितना ज्यादा भेदभाव होता था। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला बहुत भेदभाव करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, सेग्रीगेशन था ना। यहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनको बिल्कुल अलग, उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बोला जाता था, क्योंकि ये कौन थे? ये स्लेव्स थे। ये अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लाए गए थे ताकि अमेरिका में कॉटन कल्टीवेशन कर सके। अब ये सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, स्लेवरी पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है। साथ ही साथ इब्राहिम लिंकन की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पे इनको सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता था। हम ये देखते हैं कि ये प्रथा जो है वो सदियों से चली आ रही थी, ये हजारों सालों से चली आ रही थी। 7th-8th century में अरबी लोगों ने ये शुरू किया था, जब अफ्रीकन्स को स्लेव बना लिया गया था, वहां से चीप लेबर मिल जाता था। उसके बाद इसको ट्रेड में तब्दील कर दिया गया जब यूरोपियंस कूद गए। तो यूरोपियंस और अरब्स ने मिलके पूरे अफ्रीका को बेच डाला था और यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया था। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम लिंकन आए। इब्राहिम लिंकन ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, रिपब्लिकन्स का उदय हुआ। पहले तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन का उदय हुआ। अब रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स। उसके बाद 1861 से लेकर 1865 अमेरिकन सिविल वॉर, सबसे भीषण युद्ध जिससे स्लेवरी खत्म हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। 1865 में भले ही एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया था, अब यहां पे ऑफिशियली कोई स्लेव नहीं, कोई पेपर नहीं, क्योंकि पहले पेपर मांगा जाता था। जो गुलाम होते थे उनसे पेपर मांगा जाता था, उनको सिर्फ एक चीज की तरह देखा जाता था, उनके ऊपर प्राइस टैग लगाते थे, और बहुत बुरी हालत थी दोस्तों। काफी मूवीज बनी हुई हैं, इवन टोनी मॉरिसन की नॉवल, बहुत सी नॉवल उन्होंने जो लिखी हुई है वो स्लेवरी से ही रिलेटेड है। जो अवार्ड विनिंग नॉवल इन्होंने 1987 में लिखी बिलव्ड, वो भी स्लेवरी से रिलेटेड है। तो यहां पे हम देखते हैं 1865 में भले ही स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, लेकिन 100 साल तक का अमेरिका को इंतजार करना पड़ा अपने राइट्स को लेने के लिए। अमेरिका इन द सेंस ब्लैक्स, जो ब्लैक्स थे, जो स्लेव्स थे, अफ्रीका के जो स्लेव्स थे वो यहां पे बस गए थे। अब उनके राइट्स मिलते ही नहीं थे, ही नहीं, बिल्कुल सेग्रीगेटेड थे। इनको साथ में नहीं बैठाया जाता था, रेस्टोरेंट में ही नहीं बैठ सकते थे, बसेस में इनकी अलग सीट होती थी। और ये सब टोनी मॉरिसन ने झेला। पहले तो टोनी मॉरिसन जब तक इन्होंने अपनी जवानी नहीं, मतलब जब तक ये अपनी टीन्स में थी, बच्ची थी, तब तक तो इनको इतना कुछ पता नहीं था। इनके माता पिता ने बहुत अच्छे से इनको पाला था और काफी पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये अपने टीन्स में आई तब इनको पता चला कि स्लेवरी होती क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हम भले ही आजाद हो गए हैं लेकिन अभी भी आजाद नहीं है। तो 1865 से लेकर 1965 तक 100 साल तक अमेरिका को इंतजार करना पड़ा, ब्लैक्स को इंतजार करना पड़ा। 1965 जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है, उन्होंने जब आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी से इंस्पायर थे बिल्कुल, उन्होंने जब अमेरिका में आंदोलन चलाया, उसके बाद यहां पे वोटिंग राइट्स मिले ब्लैक्स को अमेरिका में, ठीक है ना। 1965 में 15th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि 100 साल तक अमेरिका को इंतजार करना पड़ा, ब्लैक्स को इंतजार करना पड़ा कि उनको वोटिंग राइट मिल जाए। तो 1965 के बाद, लेकिन उसके बावजूद चीजें रातों रात सही नहीं हुई, वक्त लगा, और अभी भी वहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन देखने
मतलब मिलता है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से चला गया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि उस माहौल में टोनी मॉरिसन का जन्म हुआ था। अब इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके माताजी का नाम है, जो इनकी माताजी थी उनका नाम है रामा, और इनके पिताजी जो हैं उनका नाम है जॉर्ज वफोर्ड। जब जॉर्ज वफोर्ड 15 साल के थे तब इन्होंने दो ब्लैक बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन का कत्ल होते हुए देखा था, व्हाइट साइड लिंच कर दिया, मार दिया था, भीड़ ने दो लोगों को मार दिया था और वो दो लोग ब्लैक्स थे। ये जो इवेंट था ये जॉर्ज फोर्ड के मन में बैठ गया था, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ही खतरनाक है, कभी भी नहीं भूले थे। उसके बाद ये लॉरेन ओहायो आ गए एम्प्लॉयमेंट की तलाश में और बचने स्लेवरी से, लेकिन यहाँ पे भी चीजें बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी कोशिश की और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जॉब्स किए ताकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड ओल्डेस्ट ऑफ द फोर चिल्ड्रेन, जो जॉर्ज वफोर्ड और रामा के चार बच्चे थे उसमें दूसरी बेटी थी टोनी मॉरिसन। अब शुरू से ही टोनी मॉरिसन को पढ़ने का बहुत शौक था, तो ढेर सारे यूरोपियन राइटर्स को, 16 साल तक इन्होंने ढेर सारे यूरोपियन राइटर्स, अफ्रीकन राइटर्स सबको पढ़ाए, सबको पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई की, काफी लैंग्वेजेस भी सीखी। लेकिन जब ये कॉलेज गई तब इनको पता चला कि हमारे पास तो राइट्स है ही नहीं, हम तो बिल्कुल रेशियली सेग्रीगेटेड हैं। जब ये 2 साल की थी तो इनके पिताजी किराया नहीं दे पाए थे अपने मकान का, तो इनके मकान मालिक ने घर को ही आग लगा दी थी, घर को ही फूंक दिया था कि तुमने किराया नहीं दिया ये लो। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों का असर अपनी बेटी पे नहीं पड़ने दिया था, उनको बहुत अच्छे से पाला था। अब किसी को नहीं पता था कि टोनी मॉरिसन इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल बन जाएंगी, नोबेल प्राइज इनको मिल जाएगा, इनकी किताबें इंस्पिरेशन होगी, ट्रेंड सेटर होंगी ये, तो ये किसी को नहीं मालूम था उस समय। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेन हाई स्कूल में की और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई वॉशिंगटन डीसी, जो ब्लैक्स के लिए ही मानी जाती थी, और यहाँ पे फेलो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स के साथ ये आई। लेकिन यहाँ पे भी इनको बहुत कुछ सामना करना पड़ा। जब यहाँ पढ़ती थी बस में जाती थी तो सीट नहीं मिलती थी, रेस्टोरेंट में जाती थी तब इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था, ब्लैक्स के साथ, इनके साथ क्या, सारे ब्लैक्स के साथ ही दुर्व्यवहार होता था। और इसी से ही तो त्रस्त था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना पूरा आंदोलन, एक बस इंसिडेंट हुआ था, अब मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की आप देख लीजिएगा, उससे प्रेरित होके, जब 16 साल की लड़की को बहुत ही बेइज्जत किया गया था, वहां से प्रेरित होके उन्होंने जो पूरा आंदोलन चलाया, सारे के सारे राइट्स मिल गए थे, वोटिंग राइट्स मिल गए थे यहाँ पे ब्लैक्स को। तो ये चीज थी। 1953 में इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश और उसके बाद मास्टर डिग्री भी हासिल की और फिर इन्होंने पीएचडी भी किया। इनका जो थीसिस था, इनकी मास्टर्स थीसिस का टाइटल था, आई एम सॉरी पीएचडी नहीं, इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली थी और जो मास्टर्स थीसिस का टाइटल था, वर्जीनिया वुल्फ्स एंड विलियम फॉकनर्स ट्रीटमेंट ऑफ द एलियनेटेड, वो भी ब्लैक्स पे ही था, जो रेशियल सेग्रीगेशन होता है। तो ये सारी, उसके बाद इनको परमानेंट जॉब मिली, इंग्लिश पढ़ाने लगी है टेक्सस साउथर्न यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी तक ये बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट नहीं बनी है, इन्होंने लिखना शुरू नहीं किया है। लिखना कब शुरू करेंगी, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों, प्रॉब्लम ये आई कि जब ये हार्वर्ड में पढ़ाती थी तब ये हेरोल्ड मॉरिसन से मिली थी, हेरोल्ड मॉरिसन से इनको प्यार हो गया, इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, ये एक जमैकन आर्किटेक्ट थे, बहुत ही खूबसूरत थे और इन्होंने शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, 1961 में इनका पहला बेटा हुआ, लेकिन 1964 में जब ये प्रेग्नेंट थी और इनका दूसरा बेटा स्लेड मॉरिसन, जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जो खुद भी बहुत बड़े पेंटर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट थे, स्लेड मॉरिसन जब पैदा होने वाले थे तब प्रॉब्लम शुरू हो गई। इनके पति जमैका में रहना चाहते थे और झगड़ा हुआ, इन्होंने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, ये वापस आ गई अमेरिका, वापस अमेरिका अपने माता पिता के साथ रहने आ गई और न्यूयॉर्क में रहने लगी। वहां से इन्होंने लिखना शुरू किया, हालांकि इससे पहले से ही लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ पब्लिश नहीं हुआ था, कुछ ऐसा नहीं लिखा था जिससे, जिसको देख के लोग कहें कि क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। लेकिन 1964 के बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से, फुल टाइम राइटर बनने वाली थी। हाँ, मीनवाइल ये पढ़ाती भी थी, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रही है। तो 1964 में डाइवोर्स दे दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक डिविजन था रैंडम हाउस का, वहां पे ये काम करने लगी, न्यूयॉर्क में काम करने लगी और अपनी पहली नॉवल द ब्लूएस्ट आई इन्होंने लिखी।
अब ये जो नॉवेल थी ये बेस्ड थी एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल जिसको ये लगता है कि अगर उसकी नीली आंखें होती तो बहुत अच्छा होता। ये नॉवल बिकी नहीं दोस्तों, 1970 में इसको पब्लिश किया गया लेकिन ये नॉवल ज्यादा बिकी ही नहीं। लेकिन लोगों ने ये देख लिया था, बड़े बड़े नॉवलिस्ट ने जब इस नॉवल को पढ़ा तब उन्होंने ये देख लिया था कि इस लड़की में कुछ दम तो है, इसकी राइटिंग में कुछ दम तो है, ये सोशलिस्ट और एक जो नैरेटिव था एकदम पोएटिक, ये बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे टोनी मॉरिसन का, भले ये नॉवल बिकी हो चाहे ना बिकी हो। उसके बाद सेकेंड नॉवल 1973 में, ये दो ब्लैक वुमेन की फ्रेंडशिप के लिए है। इनकी ज्यादातर नॉवल्स में आप ब्लैक वुमेन्स ही देखेंगे और उनके स्ट्रगल्स को देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये फेमिनिज्म, ये जो पूरी नॉवल है फेमिनिज्म को दर्शाता है, लेकिन टोनी मॉरिसन ने हमेशा अलग किया है इस चीज से, पूरी तरीके से फेमिनिस्ट नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, तो ये चीज टोनी मॉरिसन का मानना है। लेकिन ज्यादातर नॉवेल्स ब्लैक वुमेन पे ही बेस्ड है। जो इनकी सुला थी ये ऐसी नॉवेल थी, ये ट्रेंड सेटर थी, जब ये पब्लिश हुई इसको नेशनल बुक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ये एक ट्रेंड सेटिंग नॉवेल थी और बहुत ही जबरदस्त नॉवेल इन्होंने लिखी थी। थर्ड नॉवेल सॉन्ग ऑफ द सोलोमन 1977 में पब्लिश हुई थी ये, और इसको नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड भी मिला था। तो आप देख सकते हैं तीसरे नॉवल पे ही इनको अवार्ड्स मिलने लगे थे, लेकिन इनकी हिस्टोरिक नॉवल और सबसे बेहतरीन वर्क बी लवेट 1987 में बी लवेट नॉवल, ये नॉवल ट्रेंड सेटर थी। इस नॉवल को बहुत सारे प्राइज मिले, पुलिट्जर प्राइज मिला और इसके बाद नोबेल प्राइज भी मिला। बहुत ही खूबसूरत नॉवल थी, बाद में दो इस पे बेस्ड और बुक्स आई, ट्रायलॉजी थी ये। बीलव 1987 की बात करें तो ये स्लेवरी की बात करती है और इसपे तो मूवी भी बनी थी, ओपरा विनफ्रे हीरोइन थी। तो हम देखते हैं कि ये बात करती है स्लेवरी की, एक ब्लैक वुमेन जो कि अपने स्लेव हंटर से बच के निकल जाती है, वो क्या करते हैं जो इसके पीछे पड़े होते हैं, वो यहाँ पे गुलामों को ढूंढते हैं, तो किसी तरीके से ये बच के निकलती है। अब उसके बाद इनकी जो बच्ची होती है 2 साल की, उसको ये जान से मार देती है। क्यों मार देती है? बचने के लिए, मेरी छोटी बेटी को कहीं ये लोग गुलाम ना बना दें, और ब्रूटली अपनी बेटी को मारती है, अपनी भी जान लेने वाली होती है, लेकिन तभी इसको पकड़ लिया जाता है। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है इस नॉवेल में दर्शाया गया है, और स्टोरी जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मार्गरेट गार्नर। तो यहां पे हम जो देखते हैं मार्गरेट गार्नर जो कैरेक्टर का नाम है बिलवेड में, वो होती है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बेहतरीन नॉवेल थी और बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉवेल थी। बहुत लोगों ने इसको प्रेस किया, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने इसको, इसकी बड़ी तारीफ की, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, ठीक है। स्पेशली जो मारने वाला सीन, जब मार्गरेट गार्नर अपनी बेटी को मारती है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है दोस्तों। तो काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी हुई और क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवेल बनी, जिसके लिए पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया। ये दिखाती थी, दर्शाती थी कि हमारा समाज कैसा है, कितना ज्यादा यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, जो कमजोर होते हैं उनको इतनी इस हद तक दबाया जाता है कि वो डर के मारे अपने बच्चों तक की जान ले लेता है। तो ये एक तमाचा था समाज पे, और यहाँ पे इस चीज के लिए इनको बहुत ज्यादा, इस नॉवेल के लिए इनको बहुत ज्यादा सराहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद इनको हम देखते हैं कि इसके बाद बिलवेड पे बेस्ड 2 और नॉवेल आई, और फाइनली ट्रायलॉजी, जिसको बिलवेड ट्रायलॉजी भी बोला जाता है, जिसमें एक तो जैज थी जो 1992 में आई, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं पैराडाइज 1997 में आई, तो ये बिलवेड ट्रायलॉजी को इसने कंप्लीट किया, लेकिन पैराडाइज से रिलीज से पहले 1993 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था इनके लिए, बहुत बड़ा मौका था, और ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू बी अवॉर्डेड एज द नोबेल प्राइज। और ये बहुत लोगों के लिए काफी, मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जो सोचते थे कि हमको कुछ बड़ा करना है, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखा, नॉवेल्स इन्होंने 11 ही लिखी हैं दोस्तों, अभी लास्ट में मैं इनकी एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, लेकिन एक एक नॉवेल जो भी लिखी है वो गजब की थी। इसी दौरान दोस्तों, इसके बाद मतलब 1997 के बाद, इन्होंने अपनी बिलवेड ट्रायलॉजी को कंप्लीट किया और सोचा कि अब कुछ बच्चों के लिए लिखा जाए। तो उसके बाद कुछ बच्चों के लिए इन्होंने लिखा, जिसमें द बिग बॉक्स, द बुक ऑफ द मीन पीपल, द आंट और द ग्रास हॉपर,
कुछ पे तो मूवीज भी बनी हुई हैं, तो ये सारी चीजें लिखी। इसी दौरान दोस्तों ये टीचर भी थी, ये न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी, साथ ही साथ ये बार्ड कॉलेज में भी पढ़ाती थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नॉवेलिस्ट और पढ़ाती भी रही है ये 1997 से लेकर 2003 तक, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी थी। 1997 से लेकर 2003 तक ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर थी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया। 2006 के बाद इन्होंने अपना पूरा ध्यान राइटिंग्स पे ही लगाया, लेकिन अगेन कुछ ऐसी चीज हुई जो कभी भी इन्होंने नहीं सोचा था। अपने बेटे स्लेड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, 45 साल में स्लेड की मृत्यु हो जाती है, कैंसर से वो मर जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था ये टोनी मॉरिसन के लिए, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने उसके बाद जो भी किया वो अपने बेटे के लिए ही किया, ये उस समय लिख रही थी, लेकिन 2010 के बाद इन्होंने लिखना कुछ समय के लिए छोड़ दिया। ये बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत ज्यादा प्यार करती थी स्लेड मॉरिसन। एक तो जो इनके बेटे थे वो राइटिंग्स में भी इनकी मदद करते थे, स्लेड मॉरिसन खुद भी राइटर थे, पेंटर थे, म्यूजिशियन थे, काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। उसके बाद उस समय जो मॉरिसन थी वो अपनी नॉवेल होम लिख रही थी, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी और कुछ समय के लिए अपने काम को रोक दिया था अपने बेटे की वजह से। लेकिन उसके बाद दोबारा ये लौटी, 11th नोबेल गॉड हेल्प द चाइल्ड 2015 में पब्लिश हुई, ठीक है ना, तो ये चीज थी। और उसके बाद जो भी नॉवेल्स आई, जो भी राइटिंग्स आई, वो अपने बेटे को ही इन्होंने डेडिकेट किए। 5 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई, 88 साल की थी ये और काफी जबरदस्त काम किया था, लाखों लाखों लोगों ने इनके फ्यूनरल को अटेंड किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो इन्होंने अपने करियर में लिखी हैं। ये सारी नॉवेल्स हैं इंपॉर्टेंट, क्या ये सारी नॉवेल्स हैं, सबसे पहले द ब्लूएस्ट आई, सुला, सॉन्ग ऑफ द सोलोमन, टार बेबी, बिलवेड, जैस, पैराडाइज, लव, मर्सी, होम, गॉड हेल्प द चाइल्ड। साथ ही साथ इन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन पे भी लिखा है, चिल्ड्रंस बुक्स भी लिखी है और 2 प्लेज भी लिखे हैं, और इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, और इनकी मूवी बिलवेड, मतलब इनकी नॉवेल बिलवेड के ऊपर तो मूवी भी बनी है। तो ये चीज है, हमेशा इनको याद रखा जाएगा, एक बहुत ही फ्री राइटर थी और इनकी राइटिंग जो थी वो बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी। ये देख लीजिए कितना बेहतरीन लिखा है, आई टेल माय स्टूडेंट्स व्हेन यू गेट दीज जॉब्स दैट यू हैव बीन सो ब्रिलियंटली ट्रेंड फॉर, जस्ट रिमेंबर दैट योर रियल जॉब इज दैट इफ यू आर फ्री यू नीड टू फ्री समबडी एल्स, इफ यू हैव सम पावर देन योर जॉब इज टू एम्पावर समबडी एल्स। कितनी बेहतरीन बात लिखी है कि खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ठीक है अगर तुमको पढ़ाई मिल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असली पढ़ाई है वो ये है जिसको तुम्हारी जरूरत है उसके लिए सहारा बनो, उसको मुक्त कर दो। अगर वो उसकी वो परेशान है तो अपनी पढ़ाई से जो कुछ तुमने अभी तक सीखा है उसकी परेशानियों को खत्म कर दो, ये होती है असली पढ़ाई। कितनी बेहतरीन बात है। बहुत सारे इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं दोस्तों, वो सब के सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिएगा, काफी इंस्पायरिंग लेक्चर्स हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं पढ़ते रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।